ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो बार बार महाविनाश की बात की जा रही है और एक ही टॉपिक पूरे यूट्यूब पे चल रहा है, 2026 अंत हो जाएगा कलयुग का, तो बहुत सारे क्लाइंट लिटरली कंसल्टेशन लेते समय एक बार ये पूछ लेते हैं, सर अगर 2026 ख़त्म ही होने वाला है तो क्या मतलब रियलिटी इसमें है कि केवल ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है लोगों के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आज जो मैं बात करूँगा, एकदम ऑनेस्टली जो भी बताऊँगा उसको आप समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। वर्ल्ड वार थ्री। अब जब मैं वर्ल्ड वार कहता हूँ, अभी तो यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, इसमें भी कई कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन पूरे तरीके से जो वर्ल्ड वार है उसकी स्थिति 2025 के, मैं आपको डेट बता देता हूँ और चार्ट भी आपकी सुविधा के लिए, 10 अप्रैल डेट नोट कीजिएगा, 10 अप्रैल 2025 के समय आपातकाल लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2025 में 10 अप्रैल के बाद, जो लगभग अप्रैल का टाइम होगा, 10 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल, ये बड़ी खतरनाक डेट आ रहा है, आज ही प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ, ये 2025 में होगा, स्थिति खराब बन रही है। क्यों बन रही है आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा। यहाँ पे लगन पे मत जाइए, मैं सिंपली कोई भी लगन का चार्ट, ग्रह किस स्थान पर रहेंगे, सप्तग्रही युति बन रहे हैं और सूर्य शनि शुक्र बुध राहु सभी एक साथ रहेंगे, इवन चंद्रमा भी साथ में रहेंगे, केतु की दृष्टि पड़ेगी। और ये पूरा जो लगभग 15 दिन का जो पीरियड है, 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का, ये टाइम बहुत ही खतरनाक होने वाला, आज नोट कर लीजिए, क्योंकि सात ग्रहों में ये सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है मीन राशि में बन रहा है। मीन राशि में, क्योंकि देखिए मैं पूरे तरीके से डिसएग्री नहीं करता हूँ भविष्य मलिका वाली बुक से, लेकिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो ये तो सब कुछ समाप्त होने के पीछे आज के डेट में एक ही है। देखिए भूकंप भी आता है तो एक पोर्शन में आता है, पूरे जगह पर नहीं आता है, तो वहाँ से तो पूरा विश्व नहीं ख़त्म हो सकता है, आप एग्री कीजिए ना कीजिए, लेकिन ये बात तो मैं बोल कर ही रहूँगा कि एक पॉइंट पर भूकंप आने से पूरा पृथ्वी का तहस नहस नहीं होगा। इसके अलावा एक पॉइंट पर धूमकेतु आकर गिर जाए तो भी तहस नहस कुछ पार्ट होंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाते हैं, परमाणु बम गिर जाता है, और आज के समय में सभी कंट्री के पास परमाणु बम है, लगभग मैक्सिमम कंट्रीज के पास, जो मैं डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ, सबके पास एटमिक बम है, और अगर एक ब्लास्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलिए कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा एक ही झटके में पूरा विश्व समाप्त हो सकता है, और इसकी जो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है वर्ल्ड वार थ्री में ऐसा होगा। और जो वर्ल्ड वार थ्री में जो अच्युतानंद जी की जो भविष्यवाणी लिखी गई है भविष्य मलिका में, उसमें अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी इसका कॉन्क्लूज़न नहीं, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज में है, इसका मीन राशि में होगा। मीन राशि जो होती है जल तत्व राशि होती है, और जल को दूषित कर रहे हैं शनि देव, जल को दूषित करने आ रहे हैं राहु। राहु और शनि की जो युति एक ही भाव में अगर हो जाती है तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है, लोगों कहते हैं शापित कुंडली का निर्माण हो जाता है। उसके साथ शुक्र भी नैसर्गिक रूप से शुक्र भी पीड़ित है, और शुक्र हमारे देश का लग्नेश भी है, तो भारत की कुंडली के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये सारी जो घटना होगी भारत की कुंडली से लगन के रिस्पेक्ट में एकादश भाव में जाकर बनेगी, एकादश भाव में स्थिति बनेगी, और सीधा सबका प्रभाव पंचम में जाकर पड़ेगा। अब पंचम में, क्योंकि हम किसी देश की बात कर रहे हैं तो मेदिनी की बात करेंगे, पंचम स्थान और एकादश स्थान दोनों ही दूषित हो जाएंगे, और
उस समय नीच के मंगल भी रहेंगे। मंगल नीच के हो जाए तो तहस नहस पूरी विश्व में मचा देते, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वर्ल्ड वार थ्री के जो संकेत रहेंगे वो इसी डेट में होगा, आज ही नोट कर लीजिए। कोई कितना भी बोलता है 2023 में हो जाएगा, 2024 में होगा, बिल्कुल नहीं। 2025 के 10 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक के बीच का जो टाइम रहेगा ये खतरनाक होगा, लेकिन विनाशकारी होने वाली जो बात की जा रही है कि एटम ब्लास्ट होंगे पूरे तरीके से, इसकी संभावना मैं बहुत कम देख रहा हूँ। मुझे दूसरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्योंकि मीन जल तत्व है और जल के स्तर को अकस्मात बढ़ जाना, तो ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो जाए। मैं अभी स्टडी भी कर रहा था कि अगर टेम्परेचर में 1.5 डिग्री का, अगर किसी साथ चैनल पर ही मैंने देखा था, अगर 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में समुद्र का जलस्तर 6 मीटर तक बढ़ जाता है, और अगर ये 5 डिग्री तक बढ़ जाता है तो लगभग ये 40 मीटर तक इसका समुद्र का, 22 से लेकर 40 मीटर तक का स्थान बढ़ेगा, और उस कंडीशन में जो भी जल तत्व वाले एरिया, जो सराउंडिंग कोस्टल एरिया, उनके डूबने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो मैं एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा, 2025 की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मीन में ही अच्युतानंदन जी की भविष्यवाणी को पूरी तरीके से मैं नेग्लेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एनालिसिस करूँगा वहाँ पर, वो मुझे 2-3 चीज़ें अभी भी चेक करना है, और इसके लिए क्योंकि उड़िया लैंग्वेज में है और उड़िया लैंग्वेज अगर ऐसी चीज़ें आ रही, ग्लोबल वार्मिंग का संकेत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकते हैं, मल्टीपल अर्थक्वेक हो सकते हैं, ये 2 चीज़ें रहेंगी, मतलब जल का लेवल अकस्मात बढ़ जाना, और जब जल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपातकाल लग जाना है पूरे वर्ल्ड में, और इसका जो प्रभाव रहेगा अगर किसी भी तरीके से हो सकता है इसका लेवल, अगर धूमकेतु आकर गिरता है, जो बंगाल के खाड़ी पर जो प्रेडिक्शन है ऑलरेडी कि उसके आसपास गिरेगा, उसके कारण बहुत सारे जो सराउंडिंग स्टेट्स होंगे या कोस्टल एरिया होगा वो डूब जाएगा, इवन मुंबई के लिए भी पहले से ही बहुत सारे डिकोडिंग्स हैं, नासिर अहमद ने भी कहा हुआ है, बाबा वेंगा ने भी कहा हुआ है, अच्युतानंद जी ने भी कहा हुआ है, तो सबकी भविष्यवाणियाँ एक बार जो मिलकर आ रही है, बट लॉजिकली देखा जाए चार्ट बना के तो मुझे मीन राशि दूषित होते हुए दिखाई दे रही है। मीन राशि दूषित होने का मतलब जल का दूषित होना, और जल का दूषित होना है, और ये भी कहा गया था कि जो वर्ल्ड वार होगा वो जल के कारण होने वाला है, तो जल के कारण जो वर्ल्ड वार होगा, पूरे विश्व में तहस नहस जो हो सकती है वो ग्लोबल वार्मिंग उसका एक फैक्टर हो सकता है जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी विश्व का अंत नहीं होगा। आम लोग जो बात कर रहे हैं कि पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, पृथ्वी का अस्तित्व ना खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा, इस चीज़ को ना मतलब नोट कर लीजिए। पृथ्वी अपने इक्विलिब्रियम को हमेशा मेंटेन करेगा, अगर आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के बाद कुछ पोर्शन खराब होगा तो दूसरे जगह पर नई दिशाएं भी निकलेंगी, नए पॉजिटिव चीज़ें भी उस समय तक आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग तो होना ही होना है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, चाहे आज नहीं तो कल, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 2026 के जो मीन मतलब वाटर एलिमेंट का दूषित हो जाना, ये निश्चित रूप से इंडिकेट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे जल प्रलय होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अभी के लिए तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो अच्युतानंद जी की जो डिकोडिंग है या नास्त्रेदमस जी की जो डिकोडिंग किया गया हो, वो पूरा का पूरा एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। उन्होंने भी बोला था जब कुंभ में शनिदेव जाए, मीन में जब शनिदेव जाएंगे तब एक पूरा युग खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी इस बात पर ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि पूरा युग तो नहीं खत्म होने वाला है, जो बताया जा रहा है कि केवल 66 करोड़ जनता बचेंगी, वो जनता 66 करोड़ अगर बचती है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि न्यूक्लियर वार हो। न्यूक्लियर वार अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली बात है ग्लोबल वार्मिंग भी आती है तो भी इतनी ज़्यादा जनसंख्या कम नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ स्थिति जो है 2025 के चार्ट में ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं बार बार बोलूँगा मेरे वीडियो का जो बनाने का सेंस है वो डराना नहीं है,
मैं चाहता हूं कि रिसर्च करके जो सामने आप लोगों के सही बात आ रही है उसको, जो भी यहां पर चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे 2025 के, वो भी अप्रैल, 10 अप्रैल से 25 अप्रैल, यही मैं थंबनेल भी बनाया हूं, विश्व में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है और एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी इस चीज से मना नहीं कर सकता, और ये जो आएगा वो जल के कारण आने वाला है, अर्थक्वेक के आने की संभावना मना नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक जब 6 ग्रहों की युति बनती है तो वहां पर भी बनता है, और मीन जो होता है वो इसका जो एरिया पड़ता है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये यूरोप के आसपास से लेकर यूएस तक का एरिया, मीन कुंभ ये वाले एरिया ज़्यादा होते हैं, तो उसके इफेक्टिवनेस ज़्यादा 2025 में दिखाई देंगे। 2025-26 में और भी घटनाएं होंगी, उस पर वर्ष मतलब जो 10 भविष्यवाणियां देता हूँ प्रत्येक साल की उसमें मैं ऐड करूँगा। अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, ओम नमः शिवाय।